अपने आप को जो आपने एक फैसला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कह दी है रिगार्डिंग अवर नेशनल फ्लैग, हमारा एक जो एक नेशनल प्राइड है हमारे लिए, उसके बारे में जो आपने कहा हम अपने आप को डिसएसोसिएट, हम उससे उस बयान को अपने आप से अलग करते हैं। इतने बड़े बड़े डिसीजन मुफ्ती साहब के दौर में जब भी हुए, चाहे वो डेवलपमेंट का दौर था चाहे वो नौकरियों की बात थी, वो हमसे पूछे जाता था, डिसीजन मेकिंग में हमारी हिस्सेदारी थी। लेकिन जब से महबूबा जी ने टेक ओवर किया है तब से डिसीजन मेकिंग में हमें लगता है कि हमारा कोई रोल ही नहीं है। आज उन्होंने इतने इतने बड़े फैसले ले लिए, आज उन्होंने पीपल अलायंस बना दिए, लेकिन हमारे साथ उन्होंने इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं। हमारा तिरंगा हमारी पहचान है तो इससे तो हमें ठेस पहुंची है, मैं समझता हूं सभी को ठेस पहुंची है, वो तो है ही बात, वो मेन बात है। महबूबा जी ने एक स्टेटमेंट दी है तो जम्मू के लोगों में एक रोष पैदा होता है, वो रोष का जो सामना करना पड़ता है वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जो यहाँ की लीडरशिप है उसको करना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी स्टेटमेंट आनी चाहिए जैसे कि मुफ्ती साहब के टाइम आया करती थी, जो कि हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर रहे और पूरे मुल्क को उन्होंने संभाल के चले, और कश्मीर के अंदर यही तिरंगा झंडा लेके वो मुफ्ती साहब ही घुमा करते थे, दूसरा कोई लीडर वहाँ पे नहीं घूमता था। तो आज इस तिरंगे के झंडे के लिए कोई अपशब्द जो है बोले जाए तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे जम्मू के लिए एक ठीक डिसीजन नहीं है। तो आज हमारे इस एक उनका एक वर्ड कहना और जहाँ जम्मू में हमारा हिंदू मुस्लिम भाईचारे में एक दरार आनी बहुत बड़ी बात हो जाती है। तिरंगा झंडा है वो हमारे मुल्क की आन बान शान है। अगर हमारा मुल्क पहले सबसे पहले मुल्क है और मुल्क का तिरंगा झंडा है, उसके बाद पार्टियाँ हैं, उसके बाद स्टेटें हैं, उसके बाद बाकी सब कुछ चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि तिरंगा झंडा जो है वो हमारा एक बहुत बड़ी चीज जो मुल्क की जो निशानी है वो है,